अजमेर पुलिस स्टेशन के हद में खंडनी और गैंग बनाकर मारपीट करने के मामले सामने आए हैं। पहले मामले में वैभव भास्कर को पांठेले चलाने के नाम पर धमका कर 5,000 रुपये की खंडनी मांगी, तो दूसरे मामले में आरोपी ने ही अपने साथी के साथ मिलकर परिसर में दहशत निर्माण करने के उद्देश्य से आने जाने वाले लोगों को गाली गलौज कर परिसर में खड़ी गाड़ियों की तोड़फोड़ की और ऐसा करने से रोकने पर फिरियादी अनिकेत बनकर को पत्थर मारकर जख्मी कर दिया। इन दोनों मामले में अलग अलग फिरियादियों ने मामला दर्ज किया है। दोनों मामले में केतन शंबरकर, मयूर बनकर, बंडी बनकर, सूरज उर्फ इल्ली गजबी, कुणाल बनकर, अक्की उर्फ अक्षय गौलवंशी और योगेश सोनवानी को गिरफ्तार किया गया है। कल रात के 10 बजे की बात है, पुलिस ने अजनी के हद में न्यू बाबुलखेड़ा करके एक बस्ती है, उस बस्ती में कुछ गुनहगारी प्रवृत्ति के लड़के थे। उन्होंने उस एरिया में एक वैभव अनिल वासेकर और उसका दोस्त केतन शेषकर, इनका एक पांठेला चलता है, केतन शंबरकर नाम का एक गुनहगार इस समय है, ये इसका भाई अमित शंबरकर और इसका साथीदार सूरज उर्फ इल्ली विजय गजबी है, इन्होंने मिलकर वैभव वासेकर को चाकू का धाक दिखाया और उसको बोला कि अगर तेरे को इस एरिया में पांठेला चलाना है तो तुझे 5,000 रुपये महीने की खंडी देना पड़ेगा, और उसको वो चाकू दिखा, उसने बोला, फिरियादी ने बोला कि अभी लॉकडाउन लगा है, पांडेला वगैरह बंद है, अभी तो मैं दे नहीं सकता, तो उसने उसको मारने के लिए चाकू निकाला, तो वैभव वासेकर वहाँ से भाग गया। तो बाद में ये तीनों आरोपी, उसका जो साथीदार है केतन शेषकर, इसके घर के सामने गए, केतन ये घर में नहीं था, उसके औरत को उन्होंने कुछ गाली गुफ्तार किए और वहाँ से ये लोग चले गए। उसके बाद में फिर ये लोगों ने बस्ती के अंदर में ही जो गाड़ियाँ थी वहाँ पे लोगों की रखी थी उसको उन्होंने तोड़फोड़ मचाना चालू कर दिया, और केतन शेषकर जो बाहर गया था वो भी उतने में आया, उसको ये पहले घटने की जानकारी नहीं थी, वो ऐसे 10-12 लोग मिलके वहाँ पे उन्होंने बस्ती के 5 2-व्हीलर गाड़ी, 1 4-व्हीलर गाड़ी और 1 ऑटो को तोड़फोड़ करके अंदाजे 50,000 रुपये का नुकसान उसमें किया है। दोनों ऑफेंस में हमने पुलिस स्टेशन में दोनों ऑफेंस रजिस्टर किए हैं, एक 384 387 भाजपा के साथ मामला दर्ज किया है और एक राइट वो 324 427 425 RMAC सेक्शन 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने मामला दर्ज किया है, और इसमें अभी तक हमने टोटल 7 आरोपियों को अटक किया है और उनका 1 दिन का PCR मिला है, और अभी हम लोग और भी इनके साथ में कौन कौन इनके साथीदार थे उसके हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसका का मुख्य आरोपी है केतन शंबरकर, जिसके ऊपर मैं इसके पहले भी कुछ गंभीर गुनाह दाखिल है और कुछ ही दिन पहले अभी वो जेल से छूट के आया है, और उसका भाई अमित शंबरकर और एक था सूरज विजय गजबी है। हाँ, इनके ऊपर मैं कुछ पुराने आपराधिक मामले दर्ज है, केतन शंबरकर है इसके ऊपर भी काफ़ी मामले दर्ज है, ये 7 आरोपी पर मामले दर्ज नहीं है, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम लोग हैं 4 से 5 लोगों पर पुराना रिकॉर्ड दर्ज है।